नमस्कार मेरे हरियाणा के मित्रों, भाइयों, बहनों। हरियाणा आज में आपसे फिर एक बार मिलने का, बातचीत करने का अवसर मिल रहा है। जैसा हमको पहले से जानकारी थी कि लॉकडाउन फेज टू ये आज 3 तारीख को समाप्त होने वाला था और इस बीच में जैसे कयास लगाए जा रहे थे, पूर्व संभावना भी ऐसी लग रही थी कि कोरोना को इसका मुकाबला करने के लिए ये लॉकडाउन बढ़ने की स्थिति बनेगी और उसी अनुसार 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन का पीरियड फिर से बढ़ा दिया गया है। 17 मई तक अब ये लॉकडाउन 3 चलने वाला है। इस बार लॉकडाउन के लगने से कल यानी 4 तारीख से कुछ उसमें पहले की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, खास करके आर्थिक गतिविधियों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए छूट भी दी गई है और उस छूट देने में पूरे क्षेत्र को, देश भर में हर प्रांत में जिला अनुसार 3 प्रकार के जोन बनाए गए हैं, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। इन तीनों क्षेत्रों में कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसके अनुसार वहाँ की सब गतिविधियाँ ये चालू होंगी। जहाँ तक ग्रीन जोन का विषय है, जो भी व्यक्तिगत रूप से चलने वाले जितने व्यवसाय हैं, गतिविधियाँ हैं, आर्थिक तौर पर जहाँ समूह के रूप में इकट्ठे नहीं होंगे, ऐसे प्राय सभी खोल दिए गए हैं। जो न खुलने वाली ऐसी गतिविधियाँ हैं जिसमें हमारे विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, जिम्स हैं, धार्मिक स्थल की गतिविधियां हैं, इन सब स्थानों पर अभी रोक रहेगी। अन्यथा सब दुकानें, सब बाजार, ये सब खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का मंत्र ये हमको सबको ध्यान रखना है कि कहीं भी भीड़ नहीं लगानी है, इसका प्रशासन भी पूरा ध्यान रखेगा। जहाँ तक बसों के आने जाने का विषय है, बसें 50% अपनी क्षमता की सवारियां लेकर के ही चल सकेंगी ग्रीन जोन में। और इसी प्रकार जो 4 पहिया वाहन हैं, ड्राइवर के साथ 2 सवारियां और बैठ करके चल सकती हैं। स्कूटर चलने की भी सहमति दी गई है, परंतु रेल, मेट्रो, जहाज, अंतर्राज्यीय बसें, इनके ऊपर भी रोक रहेगी। व्यक्तियों के नाते नागरिकों को भी थोड़ा इसमें बंधन लगाया गया है कि 10 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चे और 65 वर्ष से ऊपर के आयु के हमारे वृद्ध बंधु, इनको घरों से न निकलें, ऐसी एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसी प्रकार सायंकाल 7 बजे से प्रातःकाल 7 बजे तक जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको छोड़कर शेष लोगों पर बाहर घूमने की, बाहर निकलने की ये रोक भी जारी रहेगी। इन सब बातों का पालन करने के लिए प्रशासन, पुलिस, इन सबको कहा गया है कि इसका ध्यान रखें। हेतु एकमात्र है, गतिविधियां सब चलाई जा सकती हैं लेकिन कोरोना के फैलाव में किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश यदि होगी तो उसको रोका जाएगा। जहाँ तक ऑरेंज जोन का विषय है, वहाँ पर बसों की जो छूट ग्रीन जोन में दी गई है वो छूट वहाँ नहीं रहेगी। बाकी सब विषय जैसे ग्रीन जोन में होंगे उसी प्रकार वहाँ से चलाए जाएंगे। जहाँ तक रेड जोन का विषय है, वहाँ पर नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर, स्पा, सैलून, रिक्शा आदि, रिक्शा यानी ऑटो, टैक्सी, इनके चलाने पर भी प्रतिबंध होगा। तो इस नाते से रेड जोन में आवागमन की गतिविधियों पर थोड़ी रोक रहेगी। स्थानीय तौर पर जहां एक स्थान पर अपनी गतिविधि चलाने के लिए, बाकी ग्रीन जोन में जो छूट है वो छूट वहां भी रहेगी। जो क्षेत्र कंटेनमेंट जोन ऐसे घोषित किए जाएंगे, अर्थात जहां भी किसी क्षेत्र के अंदर
कोरोना से पॉजिटिव व्यक्ति पाया जाता है उस क्षेत्र में केवल एसेंशियल गुड्स इन्हीं को छूट रहेगी, अर्थात हेल्थ संबंधी सर्विसेज, बिजली पानी संबंधी सर्विसेज, ऐसी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उन्हीं को वहाँ चालू रखा जाएगा, इसके अलावा किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री जी के कथनानुसार ऐसी सब गतिविधियों को चलाने में दो गज की दूरी, ये एक फार्मूला जो दिया है उन्होंने, इसका हम सब लोग निश्चित रूप से ध्यान रखें, इसका ज़रूर हमको चिंता करनी है। जहाँ तक वर्तमान में कोरोना के संबंध में अपने प्रदेश की स्थिति है, हमें अभी भी अपने प्रदेश पर यहाँ के व्यक्तियों, यहाँ की संस्थाओं, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के हमारी स्वास्थ्य सेवाएँ, इन सब के ऊपर गर्व है कि मूल रूप से हरियाणा में बचाव हुआ है, लेकिन कुछ गतिविधियाँ ऐसी हुई जिसके कारण से आज का हमारा आंकड़ा वो कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। इस आंकड़े की यदि मैं चर्चा करूँ तो आज कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या 364 हो गई है और इसमें 241 लोग वो स्वस्थ हो गए हैं, रिकवर हो गए हैं। आज पॉजिटिव जो संख्या शेष बची है जिनका इलाज चल रहा है वो 124 लोग हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 4 लोग अपनी जान खो बैठे हैं। इनमें उल्लेखनीय बात, जैसा हमको पहले से पता है, 3 फैक्टर ऐसे हुए हैं जिससे हमें चिंता है। एक जो जमात के लोग, तबलीगी लोग थे, उनकी बड़ी संख्या हमारे इन पॉजिटिव केसेस में आई, और दूसरा जो चिंताजनक स्थिति वो बनी कि दिल्ली में काम करने वाले लोग जो हरियाणा में प्रतिदिन आते जाते थे दैनिक यात्री के रूप में या व्यवसाय के रूप में, उनको भी कोरोना से पॉजिटिव पाया गया, वो भी एक बड़ी संख्या है। क्योंकि दुखद स्थिति है कि दिल्ली हमारे देश की राजधानी होने के नाते भी एक बहुत बड़ी संख्या में वहाँ लोग पॉजिटिव हो गए हैं। वहाँ 3 तरफ से दिल्ली को हरियाणा के ज़िले लगते हैं, उन ज़िलों में चाहे वो सोनीपत है, झज्जर है, गुरुग्राम है अथवा फरीदाबाद है, ये संख्या अधिक मात्रा में बढ़ी। एक तीसरा फैक्टर और जो ध्यान में आ रहा है, भले संख्या उसकी ज़्यादा हरियाणा में तो नहीं है लेकिन पंजाब में बहुत बड़ी संख्या पाई गई है कि नांदेड़ से जो आए हुए तीर्थयात्री, उनमें भी बड़ी संख्या में और लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। हरियाणा में भी उनमें से कुछ लोग डबवाली सिरसा में कल ही आए थे, 2 लोग उसमें पॉजिटिव पाए गए, बाकियों के टेस्ट अभी होगा, उसका रिजल्ट अभी आना शेष है। यदि ये घटनाएं न होती तो हम बहुत अच्छी स्थिति में होते, फिर भी आज हम बाकी प्रांतों की अपेक्षा स्थिति हमारी ठीक है। हमारे यहाँ की जनता ने संकल्प लिया है कि हम सब लोग मिल करके इस कोरोना की लड़ाई में एकत्र रहेंगे और हमारी जितनी सेवाएं सर्विसेज हैं वो भी डट करके जुटे हैं। हम सब लोगों को इस बात के लिए ध्यान रखना है कि ये बात कहीं आगे न बढ़ जाए। इस कोरोना के दौर में ही एक विषय, किसान का जो हर वर्ष का एक वार्षिक विषय होता है उनकी प्रोक्योरमेंट का, मंडियों में जाने का, जिसको हमने सुचारू ढंग से सरसों की खरीद 15 जुलाई से शुरू कराई थी, गेहूं की खरीद 20 जुलाई से शुरू हुई, 20 अप्रैल से शुरू हुई, 15 अप्रैल और 20 अप्रैल से, तब से दोनों फसलों की प्रोक्योरमेंट बहुत अच्छे प्रकार से चल रही है। वर्तमान में यदि आंकड़े देखे जाएंगे तो सरसों 4,02,000 मीट्रिक टन इसकी आवक हो चुकी है, इसी प्रकार गेहूं की आवक भी लगभग 44,00,000 मीट्रिक टन ये हो चुकी है, जो कुल हमारी जो पैदावार है गेहूं की उसका 60% से ऊपर हो चुका है। और भुगतान के नाते भी यदि मैं आंकड़े रखूं तो सरसों का भुगतान 450 करोड़ रुपए का हो चुका है और गेहूं का भुगतान 283 करोड़ रुपए का हो चुका है। और मैं समझता हूं कि हमने जो टारगेट तो अपना बहुत आगे का रखा था, 30 जून तक हम प्रोक्योरमेंट करेंगे, लेकिन मुझे लगता है जिस गति से प्रोक्योरमेंट हो रही है शायद ये 15 और 20 मई तक हम इसको पूरा कर ही लेंगे, ऐसा मुझे इसका आभास हो रहा है। मैं एक विषय और आपके सामने रखना चाहूँगा और बहुत निसंकोच रखना चाहूँगा। वैसे तो ऐसे समय पर यह विषय न रखा जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि मुझे आपके सामने वो विषय रखना पड़ रहा है। अभी पिछले दिनों में जैसे हम देखते हैं कि कोरोना के समय में हमारी आर्थिक स्थिति प्रदेश की वो कोई बहुत अच्छी नहीं रही है, बहुत से हमारे जितने राजस्व की प्राप्तियां थी वो प्राय बंद हो गई थी, बंद हो गई हैं, वो नहीं अभी भी कोई शुरू नहीं हुई है,
चाहे उसमें GST है, वैट है, उसके अंदर स्टाम्प ड्यूटी है, एक्साइज है, जितने भी स्रोत हैं वो पिछले महीने में लगभग यानी बहुत कम परसेंटेज उसका आता रहा, और हम इन दो महीनों के अंदर 12,000 करोड़ रुपए के एक प्रकार से दबाव में आए हैं। हमने खर्चे करने के लिए भी जो आवश्यक खर्चे हैं वही किए और शेष खर्चे सारे बंद कर दिए गए हैं, बहुत से उसमें पग लिए गए हैं, आपको सबको बताया गया है। दो दिन पहले कैबिनेट की मीटिंग के अंदर एक छोटे निर्णय हमने ज़रूर लिए, और उसके अंदर बहुत कम छोटे निर्णय जिसको कह सकते हैं, उसमें एक हमने फीस बढ़ाई, एक हमने कर बढ़ाया, एक हमने किराया बढ़ाया। कितना किराया? मात्र 15 पैसे पर किलोमीटर। फीस मात्र जिसको कहना चाहिए कि 2% सब्जी के ऊपर, अर्थात एक व्यक्ति 10 रुपये किलो की अगर सब्जी लाता है तो 20 पैसे प्रति किलो की फीस उसकी बढ़ती है। और कर जो बढ़ाया वो भी हमने वैट के अंदर कर इतना नॉमिनल, जिसके कारण से सिर्फ 1 रुपया लीटर डीजल और 1 रुपया 10 पैसे लीटर पेट्रोल का खर्च बढ़ता है, एक मामूली कर जिसके अंदर ये कह सकता हूँ कि 70-80 करोड़ रुपये महीने का इसके अंदर एक सरकार को आमदन सब दृष्टि से होने वाली है। जबकि हमारा खर्च, महीने का खर्च जैसा हम देखते हैं कि 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर का खर्च होता है। इतने कम वृद्धि का हेतु इतना ही मात्र था कि इन तीनों चीज़ों में थोड़ी थोड़ी वृद्धि होकर के और हम इनके काम को सुचारू रूप से चला सकें। लेकिन इतना करने के बाद हमारे कुछ विरोधी मित्रों ने, हमारे विपक्ष के मित्रों ने, खास करके उसमें कांग्रेस की हमारी अध्यक्ष शैलजा कुमारी और कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला, इन्होंने उस विषय को जिस ढंग से आगे रखा है, बढ़ाया है, उसको सोच करके बहुत ही मन में कष्ट हुआ, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि इतने छोटे विषय के ऊपर इतना आगे बढ़ करके कहना, यानी मात्र 80-82 करोड़ रुपए महीने का खर्च 10,000 करोड़ रुपए के खर्च में से अगर हमने बढ़ाया है, और उन्होंने कहा कि जैसे बहुत कुछ जनता से लूट लिया गया हो। उदाहरण दिया कि 44,000 करोड़ रुपया 6 साल का वैट, ये आखिर कहाँ गया? मेरा कहना है कि 44,000 करोड़ रुपए का ही क्यों बात करते हैं? वो बात करते हैं तो फिर हम 6 साल के अंदर टोटल बजट तो हमने 5,00,000 करोड़ रुपए का खर्च कर दिया, और 5,00,000 करोड़ रुपए और 44,000 करोड़ रुपए की बात एक छोटे छोटे 10 पैसे 20 पैसे के 15 पैसे के खर्च के ऊपर वो तुलना करने लग गए। आखिर तो ये हिसाब किताब उनको लेने का किसी प्रकार का कोई औचित्य बनता नहीं है, क्योंकि हर वर्ष बजट का जितना भी प्रावधान होता है उसका हिसाब किताब विधानसभा में रखा जाता है। ये बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, 31 मार्च को खजाना बंद करके उसके बाद 1 अप्रैल से नए सिरे से सब कुछ शुरू किया जाता है। ये महीना तो अभी एक भी अभी नहीं हुआ, और जिस एक महीने के बाद वो इस प्रकार के बड़े विषय खोलने लग गए हैं, क्योंकि इस छोटे विषय को लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उनका कहना तो ये है कि कोरोना के समय में जले पर नमक छिड़क रहे हैं, लेकिन जलन किसको हो रही है ये अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूँ तो इस समय कोरोना के समय के अंदर जिस प्रकार से हम लोगों ने चीज़ों को संभाला है, जनता जिस प्रकार से इन सारी बातों से संतुष्ट है, और सारे देश भर में हरियाणा की गतिविधियों को लेकर के सब लोग संतुष्टि व्यक्त कर रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि हरियाणा ने बहुत अच्छे तरीके से इसको संभाला है, कहीं ऐसा तो नहीं ये सब बातें सुन करके हमारे मित्रों को ही जलन हो रही हो, यही जल रहे हों, और इनको जलन हो रही है, और इनके जलन पर अगर ये समझते हो कि इनके जलन पर नमक छिड़क दिया गया है तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। कृपया संतुष्टि व्यक्त करें, और ये समय ऐसा है, ये समय जो संकट के समय, एक आपत्ति के समय, इन छोटी बातों पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। ये समय होता है हम सबको मिल करके इकट्ठे होकर के आगे बढ़ना है। अभी हमने एक अपेक्स ग्रुप की अपनी मीटिंग की, उससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग में भी जो नेता थे सब लोगों ने एक विश्वास दिलाया था, क्या कि हम लोग सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार को सुझाव सब के मिलते ही हैं, सबके सुझाव लिए जाते हैं, लेकिन उस सुझाव के बाद सब लोगों का एक ही विषय रहता था कि मुख्यमंत्री साहब आप जो करेंगे, सरकार जो करेगी, हम साथ खड़े हैं, ये संकट का समय है, इस समय आप जो भी कुछ करना चाहें हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन कभी भी किसी ने कंडीशनल सपोर्ट नहीं की थी कि आप ये करेंगे तो हम साथ खड़े हैं, ये नहीं करेंगे तो साथ नहीं खड़े हैं। अभी ये बहुत कुछ हुआ नहीं है, आगे हम अपेक्षा तो करते हैं, आशा करते हैं कि कोरोना से हमें मुक्ति मिल जाए, लेकिन मानो यदि कोरोना की लड़ाई लंबी चली तो हमको निर्णय बहुत कठोर भी लेने पड़ सकते हैं, और कठोर निर्णय लेने में जनहित में निर्णय लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कुछ है
हम ट्रस्टी के रूप में जनता का सब सामान दिया हुआ वो संभाल रहे हैं। आज भी जो कुछ प्राप्त करेंगे वो जनता के लिए ही खर्च करेंगे, जनता से लेंगे तो जनता पर खर्च करेंगे। और इसमें हम लोगों ने जनता पर किया भी है खर्च। अगर पिछले महीने का मैं हिसाब आपको बताऊं तो हम लोगों ने जिस दिन ये टैक्स लगाए थे उसी दिन MSME अर्थात लघु उद्योग, उनके कर्मचारियों को, उनके मजदूरों को ठीक से तनख्वाह मिल जाए, उनके काम ठीक से शुरू हो जाए, हमने प्रति वर्कर 20,000 रुपये की सैलरी, 20,000 रुपये का लोन बैंक से वो अगर लेते हैं तो उसका 6 महीने का ब्याज ये सरकार देगी, जो लगभग 250 करोड़ रुपये बनता है। अर्थात 250 करोड़ रुपये की छूट तो उसी दिन हमने दी। हमने बिजली में फिक्स चार्जेस 25% तुरंत छोड़े और 75% चार्जेस को आगे के लिए डेफर कर दिया कि इसको दिसंबर तक भुगतान किया जा सकता है। आखिर हमने गरीब व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति, उसके राशन की व्यवस्था, केंद्र सरकार ने भी राशन डबल किया, लेकिन जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं थे ऐसे लाखों लोगों को भी 30 जून तक के राशन देने की कमिटमेंट हमने की, उनको राशन दे रहे हैं। हम लोगों ने इसी के साथ जो धनराशि, पैसा जिनको चाहिए, 1,000 रुपये प्रति सप्ताह, ऐसे 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, लगभग 15 लाख लोगों को हम इस पिछले महीने में दे चुके हैं। आखिर इसके ऊपर भी कोई 500 करोड़ रुपये का हमारा खर्च हुआ है। ये करोड़ों रुपए साथ साथ खर्च हो रहे हैं। 80 करोड़ रुपए महीने के इस दर्द को अगर इस प्रकार से न रखते, अगर इसमें संतुष्टि जाहिर करते तो उनकी परिपक्वता ये नज़र आती। ये विषय ज़रूर मैं बहुत अपने एक कष्टदायक मन से जनता के सामने रख रहा हूँ। और मैं ऐसे लोगों के सामने ये भी प्रश्न करना चाहता हूँ कि इन चीज़ों का हिसाब मांगते हुए, जब हिसाब मांगते हैं तो मैं हिसाब की एक ही बात पूछता हूँ कि आखिर ये पैसा कहाँ जाता है। हमने तो अपनी सैलरी भी एक एक महीने की कम कर दी, 30% सैलरी अगले साल भर के लिए ये कम कर दी, 51 करोड़ रुपया DQ ये छोड़ दिया गया, पेंशनर्स ने पेंशन दी। लेकिन मालूम नहीं रणदीप सुरजेवाला जी, आज आप 1,68,000 रुपये पेंशन ले रहे हैं, और 1,68,000 रुपये पेंशन आप ले रहे हैं, आपने मालूम नहीं सरकार के कोरोना रिलीफ फंड में कुछ योगदान किया कि नहीं किया, मालूम नहीं लाखों करोड़ों भोजन के पैकेट सामाजिक संस्थाएं सारे प्रदेश में जो कर रही हैं उनको भी आपने एक पैसा दिया कि नहीं दिया। और आप तो अगर सारा हिसाब आपका पिछला में लगा लें, 5 साल का जब आप विधानसभा के सदस्य थे, मात्र 7 बार आप आए हैं विधानसभा में, और पूरे 5 वर्ष का खर्च 1,12,00,000 रुपये आपने लिया है। ये पैसा अगर आप हिसाब लेंगे तो मैं पहला हिसाब का मुद्दा, पहला जो पॉइंट है इसी को रखूंगा कि 7 बार विधानसभा में आने के बाद 1,12,00,000 रुपये आप ले गए, और आप कहते हैं कि हमको ये हिसाब चाहिए। हिसाब अगर शुरू करेंगे तो बहुत जगह से शुरू किया जा सकता है। आप हमको सरकार में आने से पहले जो आप लोगों ने एक सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, क्या कि हम जो गेस्ट टीचर्स हैं, ये जो अतिथि अध्यापक हैं, इनको एक दिन नहीं रखेंगे। हमने उनको भी रखते हुए और उन अध्यापकों का 4,000 करोड़ रुपया हमने उनका दिया है। आखिर कोई एहसान तो उन पर नहीं किया, लेकिन आपकी की हुई गलतियों का भुगतान ये हमको करना पड़ रहा है। इसलिए मित्रों, ये हिसाब किताब मांगेंगे तो आपको बहुत हिसाब सोच करके रखना पड़ेगा। तो हम लोग इसको नहीं चाहेंगे, इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं, आप ज़रूर इसका ध्यान रखें। मैं एक विषय पर और ध्यान कराना चाहता हूँ सब लोगों का कि अभी हमारे प्रदेश के बहुत से अप्रवासी मजदूर जो यहाँ काम कर रहे हैं, पिछले दिनों में उनके काम छूट गए। हम लोगों ने आग्रह किया उद्योग को, औद्योगिक इकाइयों ने उनके 1 महीने की 2 महीने की सैलरी उनको देते रहे, लेकिन अब उद्योग शुरू हो गए हैं, उद्योगों को सबको खोल दिया गया है, जितने बचे हैं वो भी कल से खुल जाएंगे। तो मैं सबसे पहले तो ऐसे जो हमारे मजदूर भाई हैं उनसे अपील करता हूं कि हमारा रोज़गार स्थिर रोज़गार है, इसको छोड़कर हम अपने घरों को वापस न लौटें। हो सकता है आपको वर्ष दो वर्ष घर गए हुए हो गए होंगे, घर की याद सताती होगी, परिवार का दबाव पड़ता होगा, लेकिन ऐसे संकट के समय आपको यहीं कोई तकलीफ कठिनाई नहीं आने देंगे, आपका रोज़गार भी सुरक्षित रहे, आपको आमदनी भी पूरी हो जाए। यदि घर जाने की आवश्यकता हो तो कुछ समय बाद भी जाया जा सकता है। फिर भी जिन लोगों की कोई कठिनाई है या यहाँ जो यात्री घूमने के लिए आए थे, चाहे वो तीर्थ यात्री हों चाहे वो पर्यटक हों,
उन लोगों को यदि वापस जाने में कठिनाई आ रही होगी, उनके सबके नाम नंबर लेकर हम उनको वापस भेजने की समुचित व्यवस्था करेंगे। और बाहर के प्रदेशों में भी अगर हमारे हरियाणा के लोग गए हैं उनको भी सुरक्षित हम लेकर के आएंगे। इनकी जानकारियां, सूचनाएं आप सब लोग अपने अपने जिलाधीश, अपने अपने उपायुक्त महोदय, उनको सबको आप पहुँचा दें, इनकी सबके व्यवस्था करेंगे, इसमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आने देंगे। अब अंत में मैं अपील एक आपको करना चाहता हूँ कि इस समय पिछले दिनों में चिकित्सा की दृष्टि से भी एक कठिन दौर निकला है, क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से हॉस्पिटल्स, कोविड स्पेशल जो हॉस्पिटल्स हैं या कोविड की चिकित्सा के नाते ड्यूटी पर लगाए गए हैं, सामान्य जो रोगी हैं उनकी चाहे ओपीडी है, चाहे उनके रोगों की चिकित्सा है, उसमें कुछ कठिनाई आई है। और कई जगह पर हमको ध्यान में आया है कि खून के जो ब्लड बैंक हैं उनमें कमी आई है। अभी कुछ संस्थाओं ने अपने ब्लड बैंक को दोबारा से शुरू किया है और एक खून का, ब्लड का जो डोनेशन है उसके नाते से वो आगे आए हैं इस अवसर पर, क्योंकि जो थैलेसीमिया बीमारी से भी बहुत लोग जो बच्चे यानी हमारे जो ग्रस्त हैं, वो बच्चे हमारे प्रदेश में ऐसे हैं जिनके जीवन को चलाने के लिए रक्त की आवश्यकता है। तो मैं आपको अपील करता हूं कि ऐसी संस्थाओं के माध्यम से आप रक्तदान अवश्य करें ताकि इन बच्चों की ज़िंदगी को भी बचाया जा सके। आज इस अवसर पर एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें और निश्चित रूप से आने वाले समय में भले आशा अपेक्षा हम अच्छी करते हैं, होप फॉर द बेस्ट, लेकिन दूसरा वाक्य मेरा है प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हम किसी भी आपत्ति के लिए उसको, उसका मुकाबला करने के लिए अपनी तैयारी रखें। मेरा विश्वास है कि हरियाणा से कोरोना हारेगा, भारत से भागेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।